नमस्कार दोस्तों। तो कल जो हम लोगों ने प्रश्न दिए थे तो वो प्रश्नों के आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के जो है प्रश्न, आज आठवां दिन है हमारी पांच प्रश्नों की श्रृंखला का। तो कल का पहला प्रश्न जो था, ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 31, वो एक्चुअली मैं PDF तैयार कर रहा था तो उसको अरेंज कर रहा था ना, क्योंकि आप लोगों को बोला ना मैंने कि 100 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो फिर मैं उसकी PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके जो है प्रैक्टिस के लिए अपने पास यूज़ कर सकते हो उसको। तो पहला प्रश्न था कल का, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, आजीवक संप्रदाय भारतीय दर्शन के नास्तिक या हेटरोडॉक्स विद्यालयों में से एक है। ये सही है, क्योंकि जैन धर्म से निकला, जैन धर्म भी नास्तिक है तो आजीवक भी नास्तिक ही होंगे। गौशाल की कहानी हमने आपको बताई थी। दूसरा कथन है, आजीविकों की सटीक पहचान अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे बौद्धों या जैनियों के एक अलग संप्रदाय थे। ये भी सही है, क्योंकि चूंकि आजीविकों के कोई साहित्य जो है मिलते नहीं है डायरेक्टली, जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो बौद्ध या जैन साहित्य से ही होती है, तो इसलिए इस बारे में भी स्पष्ट ज्ञात नहीं है आजीविकों को। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, आजीवक भाग्यवादियों और उनके संस्थापक गौशाल का सबसे पुराना विवरण प्राचीन भारत के बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ दोनों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में 13वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी तक लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रहा आजीवक संप्रदाय। इस स्टेटमेंट में जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण भारत में जो है आजीवक संप्रदाय 13वीं 14वीं सदी तक जो है अपने जन्म से जिंदा रहा, उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा नहीं चला। तो इस तरीके से इसके चारों स्टेटमेंट ही सही थे, तो आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न था हमारा कल का, इनमें से कितने कथन सही नहीं हैं, जो गलत हैं वो बताने हैं। तो अशोक के 7वें स्तंभ शिलालेख में आजीविकों का उल्लेख है, ये सही है। दूसरा, आजीविकों से संबंधित कई चट्टानों को काटकर ये अशोक का 7वां स्तंभ जो है शिलालेख में यहाँ दिल्ली में ही है। आजीविकों से संबंधित कई चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मौर्य सम्राट अशोक के समय की हैं, ये भी सही है बिल्कुल। बराबर गुफाएं ग्रेनाइट से बनाई गई थीं और इस गुफा की सतह को अत्यंत पॉलिश किया गया है और प्रत्येक में दो कक्ष हैं, पहला आयताकार हॉल है, दूसरा छोटा गुंबदाकार, उसको मानते हैं कि ये ध्यान के लिए बनाया गया होगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा देखिए, जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में कहा गया है कि आजीवक पूर्ण नियतिवाद स्वतंत्र इच्छा की अनुपस्थिति में विश्वास करते थे और इसे नियति कहते थे। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु साथ साथ यह भी मानते थे कि मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है अपनी स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से। देखिए वो ये बिल्कुल नहीं मानते थे, गौशाल जो थे वो ये मानते थे कि मनुष्य जो है बिल्कुल किसी तरह से स्वतंत्र है ही नहीं, इवन अगर वो प्रतिक्रिया भी दे रहा है तो वो भी पहले से पूर्व निर्धारित है। तो यही चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो इस तरीके से केवल एक कथन गलत है, आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन था हमारा कि कौन से कथन सही नहीं है, दो कथन दे रखे हैं। इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में बात हो रही है जो अभी हाल ही में डेवलप हो रहा है। इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए लचीलापन, स्थिरता, समावेशता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, यही तो सामान्य सा कथन है, सही है। दूसरा, 14 IPEF भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं, गलत इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में आप लोगों को जो है डिस्कस कर लेंगे हम तो आगे, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 कल का, बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला था, ब्राजील भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख जैव ईंधन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में अन्य इच्छुक देशों के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में अगले कुछ महीनों के दौरान मिलकर काम करेंगे, ये बिल्कुल सही है। ब्राजील भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों मिलकर के ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाना चाहते हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, इस गठबंधन का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना होगा, क्योंकि एमिशन कम करने के लिए बायोफ्यूल का इस्तेमाल करना है, इसलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना रहे हैं, तो दूसरा कथन भी सही है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत जो है G20 की प्राथमिकताओं में से एक है ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को बनाना,
और चौथा है इसकी घोषणा भारत ऊर्जा सप्ताह 2022 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने की थी। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है ऐसा एग्ज़ाम में कभी पूछे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो तत्काल के लिए बना दिया है। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि घोषणा जो है वो 2022 में ही की गई है, ये बिल्कुल ध्यान रखने की चीज़ है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने कथन सही हैं? उपर्युक्त सभी सही हैं, आंसर है डी। और कल का पांचवा क्वेश्चन था सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। तो इसके बारे में आपको पहले ही बताया था हमने कि दोनों देश जैसे जो क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स होते हैं तो उनका क्या है कि जैसे पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस वगैरह जो भी होता है, और एक पैसे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कहीं जो है, या पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ऐसा नहीं कि डबल टैक्स पड़ रहा है उनके ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को या उनसे रिलेटेड और भी जो वर्किंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिसॉल्व आउट करने के लिए जो है सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट किया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए, पहला स्टेट बताना है कितने कथन सही हैं। पहला है समग्रीकरण समझौते में प्रवेश करते समय संयुक्त राज्य अमेरिका और एक भागीदार देश उन व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज और लाभ भुगतान प्रावधानों के समन्वय पर सहमत होते हैं जिन्होंने अपने कामकाजी जीवन के दौरान दोनों देशों में काम किया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वे दोहरे सामाजिक सुरक्षा कराधान को समाप्त करते हैं जो तब होता है जब एक कर्मचारी और उसके नियोक्ता को एक ही कमाई पर दो देशों को सामाजिक सुरक्षा कर का भुगतान करना पड़ता है, ये हमने आपको अभी बताया, ये भी सही है। तीसरा, सभी समग्रीकरण समझौतों का सामान्य सिद्धांत यह है कि एक कार्यकर्ता को करों का भुगतान करना चाहिए और केवल उस देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत कवर किया जाना चाहिए जिसमें वह वास्तव में काम करता है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि सुरक्षा मतलब केवल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली उसी देश में जो है सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत कवर किया जाना चाहिए जिसमें वह वास्तव में काम करता है, ये कथन सही है। तो इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। और इस तरीके से तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। तो कितने कथन सही हैं? तीनों सही हैं। और ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपने कल के जो 5 क्वेश्चन थे डिस्कस कर लिए हैं, और इसके बाद अब हम लोग जो है आज के अपने अगले 5 प्रश्न देखेंगे। तो ये हैं आपके आज के 5 प्रश्न। आज के प्रश्न जो है आपको अच्छे लगेंगे, जो रेगुलर देख रहा होगा तो उसे आज के प्रश्न थोड़े आसान लगेंगे, खुश होगा देख के। तो पहला क्वेश्चन है, और आज देखिए इंग्लिश में बनाए हैं, अब इसको हम लोग मिक्स रखेंगे है ना, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, ताकि जो है दोनों तरह से चलता रहे। तो आगे देखिए, जिन्हें जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उन्हें धीरे धीरे जो है इसी से प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, इनमें से कोई एक कथन गलत है उसको देखना है अपने को। तो ए है, द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद। बी है, द थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विद इट्स एसोसिएटेड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बोथ एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल लाइफस्टाइल्स एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, G20 लोगो कैन नॉट बी यूज रिप्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी पेड इवेंट्स एक्टिविटीज फॉर स्पॉन्सरशिप्स एंड और फॉर इवेंट्स क्लेमिंग एनी ऑफिशियल टाइअप्स और पार्टनरशिप्स विद द G20 अनलेस ड्यू परमिशन हैज़ बीन ऑब्टेंड फ्रॉम द G20 सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स आप G20 का लोगो जो है ऐसे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस बारे में ये स्टेटमेंट है। और तो बताना है आपको ऐसा कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते, सही है कि गलत है, क्या है? डी, द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट और स्टाफ, इट वर्क्स फ्रॉम द OECD सेक्रेटेरिएट ऑफिस वियना। तो ये 4 जो है विकल्प हैं, इनमें से कोई एक कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो, कोई एक कथन सही है वो बताना है, बाकी के 3 गलत हैं। द फर्स्ट G20 समिट वॉट held in 2008 in Washington DC. B है, at the follow-up summit in 2009 in London, G20 had not agreed to blacklist states that refused to cooperate on efforts to tackle tax evasion and avoidance. C है, Toronto, Seoul, कोरिया की राजधानी है, Toronto, Seoul, 2010 and 2011, this pair represents the G20 summit according to the years respectively. D, at the heart of the Berg program of the G20 summit in Cannes. Cannes जो है ये फ्रांस का शहर है, यहाँ पे जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल। तो एट द हार्ट ऑफ द Berg प्रोग्राम ऑफ द G20 summit in Cannes in 2010 was the reform of the international monetary system. तीसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सा पेयर रॉन्ग है इनमें से आपको बताना है।
लॉन्च व्हीकल्स आर बिल्ट एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। देखिए कल हम लोग जो है स्पेस सेक्टर के बारे में इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और दो वीडियो में बना के डाल चुका हूँ। अभी जो है लगभग काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होने को बाकी, तो आगे और भी वीडियो आज भी देखिए डालूंगा। लॉन्च व्हीकल्स आर बिल्ट एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। सैटेलाइट्स आर डिजाइन एंड डेवलप्ड एट सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर बेंगलुरु। डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड स्टेजेस इंक्लूडिंग क्रायोजेनिक स्टेजेस कैरीड आउट एट लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर वालियामाला एंड बेंगलुरु। और डी है इंटीग्रेशन एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स आर कैरीड आउट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो इनमें से कोई एक गलत है, आपको बताना है कौन गलत है। चौथा, इन चारों में से भी कोई एक गलत है। द एंट्रिक्स कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी मार्केट्स द स्पेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बी, द स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज वर इनिशिएटेड इन अवर कंट्री ड्यूरिंग द अर्ली 1960s व्हेन एप्लीकेशंस यूजिंग सैटेलाइट्स वर इन एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बेस्ड फैसिलिटी इन अहमदाबाद विच फर्दर बी नो एज SAC सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। डी, साइट वॉज फॉलोड बाई द सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट स्टेप। देखिए एक प्रोग्राम साइट था, एक स्टेप था, तो दोनों के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया है। ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इसरो एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट यूजिंग द फ्रेंको जर्मन सिम्फोनी सैटेलाइट ड्यूरिंग 1979। तो इन चारों में से कोई एक कथन गलत है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। और उसके बाद अंतिम या और आसान है, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेनली फोर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। कल हम लोग बात कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो काम करता है चार ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो वो चार ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कौन हैं, उनमें से एक यहाँ गड़बड़ है। तो PRL अहमदाबाद, NARL तिरुपति, NESAC रिभोई डिस्ट्रिक्ट एंड IISc तिरुवनंतपुरम। तो इस तरीके से आज के हमारे जो है ये पांच क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हमारा आठवां दिन था, 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आप जो है देख रहे हैं तो लगातार देखते रहिए। देखिए छोटे छोटे कामों का ही परिणाम जो है वो एक दिन बहुत बड़ा आता है, इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना है और अपनी निरंतरता को बनाए रखना है लगातार। और निश्चित रूप से अगर आप अपनी निरंतरता को बनाए रखेंगे तो ये तय है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।